ये प्रकृति जो है ना, वहाँ अपनी सुंदरता से हमारी झोली भरती ही रहती है। तो एक बार फिर उपस्थित हैं हम अपने एक नए प्लांट के साथ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल हरियाली और जीवन पर। तो अपना वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लीजिए। तो ये सामने जो प्लांट देख रहे हैं, ये एमरिलिस लिली का बिल्कुल भी नहीं है, ये सुदर्शन का प्लांट है और इसका वनस्पतिक नाम ग्रीनम लैटिफोलियम है। कुछ लोग इसको मिल्क एंड वाइन लिली से भी पुकारते हैं कि और भी काफ़ी नाम है और इसके फूल भी विभिन्न प्रकार के और सुगंधित होते हैं। इस प्लांट की और भी वैरायटी होती हैं जिनके फूलों का आकार इनसे भिन्न होता है। इसको पिंक स्ट्रिप ट्रम्पेट लिली भी बोलते हैं और ये वर्ष भर इसके ये पत्ते ऐसे ही रहते हैं। देखिए इसके फूल वर्ष में एक बार ही खिलते हैं बरसात के सीजन में, तो जुलाई से लेके अगस्त तक इसके फूल खिलते हैं। और इसकी मिट्टी की बात करें तो ये हर प्रकार की मिट्टी में लग जाता है, लेकिन अगर बेड एंड सॉयल रहेगी तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि कोई भी प्लांट हो उसके लिए बेड एंड सॉयल ही सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं रुकता। वैसे भी एक कंद से लगता है प्लांट, एक कंद वाला प्लांट है, तो पानी रुकेगा तो इसका कंद खराब हो जाएगा। और इसकी वैसे कोई केयर की बात करें तो कुछ विशेष केयर नहीं करनी पड़ती है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और एक बार लगा देते हैं तो वर्षों वर्ष चलता रहता है। ये हमारा भी प्लांट 7-8 वर्ष पुराना है और पहले ही ये कई पॉट्स में लगा था और इसके बल्ब बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर हम को लगा कि साल में एक बार ही फूल देता है, तो हमने सारे बल्ब ये छोटे से एक प्लांट में लगा पॉट में लगा दिए थे। पिछले साल तो नहीं खिला था, देखिए कल ही मैंने देखा कि इसमें स्टॉक दूर निकल आए और उनमें कलियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी लग गई। तो मैंने कहा आपको इसके बारे में थोड़ा बताया जाए अपना अनुभव। मैं इसकी कोई भी विशेष केयर नहीं करती हूँ और जब सब प्लांट्स को खाद वगैरह देती हूँ तो कभी कभी इसमें जब लिक्विड खाद थोड़ी बहुत डाल देते हैं और वैसे इसकी कोई विशेष केयर नहीं है। और जैसे एमरल्ड लिली के बल्ब को आप थोड़ा उथला लगाते हैं, लेकिन इसके बल्ब को थोड़ा गहरा लगाना पड़ता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इनके जो पत्ते हैं ये कान के लिए बहुत उपयोगी हैं और आप इनको गर्म करके निचोड़ेंगे इनका रस और फिर कान में डालेंगे तो इस कान दर्द तुरंत ही राहत मिल जाती है। इसमें ये कान के दर्द के लिए प्रसिद्ध पौधा है और इसके बहुत सारे अनगिनत मेडिसिनल उपयोग हैं। कई चीज़ों में स्किन रोग से लेकर हड्डी रोग और पता नहीं कितने रोगों में, ये पेट के रोगों में, हर तरह से कई तरह से ये अलग अलग विधा से ही काम आता है। तो इनके पत्तों का रस जब आप गर्म करेंगे तभी निकलेगा, वैसे इससे रस नहीं निकलता है।